ताजा घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. उल्हासनगरच्या भाजप जिल्हा कार्यालयात उत्तर भारतीय समाजाच्या वतीने आयोजित बैठकीत पुन्हा एकदा उत्तर भारतीय भवनाच्या मागणीने जोर धरलाय. त्यावर आमदार कुमार ऐलानी यांच्याकडून अँटेलिया कॉम्प्लेक्सच्या आवारात भवन बांधण्यात येणार असल्याची घोषणा केली आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर त्याचं काम सुरू होईल अशी मागणी भाजपचे उत्तर भारतीय मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष संजय गुप्ता यांनी केली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर भारतीय मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष संजय पांडे हे उल्हासनगर शहरात आले होते. यावेळी उत्तर भारतीय समाजातील लोक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. दरम्यान कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करण्यात आलं. पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधान बनवण्यासाठी सर्वांनी मतदान करावं अशीही मागणी केली आहे. यावेळी मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष संजय पांडे, निर्जा मिश्रा, प्रदीप रामचंदानी, राम चार्ली, लाल पंजाबी, अनिल पांडे, चंद्रकांत मिश्रा, लाल बिहारी यादव, अनिल जयस्वाल, फुलचंद यादव, रोशन झा, भास्कर मिश्रा आदी उपस्थित होते. आमदार साहब का आभारी है, लेकिन जिस दिन वहाँ पर आके वो नारियल तोड़ेंगे, वहाँ पर आके उस जगह का उत्तर भारतीयों के लिए सुपुर्द करेंगे, उस दिन हमारी लड़ाई वहीं पे खत्म होगी. अन्यथा ये लड़ाई बहुत दूर तक चलेगी. और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मेरे कार्यकाल में उत्तर भारतीय भवन बन के रहेगा. शादी ब्याह करना है, कोई भी उत्तर भारतीयों को कोई भी प्रोग्राम रखना है, तो हम लोगों को या तो कांबा जाना पड़ता है या कहीं दूर जाना पड़ता है. जबकि 75% लोग उत्तर भारतीयों का उल्हासनगर में, उसके बावजूद भी उत्तर भारतीय अपने उत्तर भारतीय भवन से वंचित है. तो मैं आमदार साहब से निवेदन करता हूँ, आज हमारे सौभाग्य है कि हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष संजय पांडे जी को भी मैं ज्ञापन भी दूंगा कि हम उत्तर भारतीयों जो आज उल्हासनगर में एक उत्तर भारतीय एक ऐसी कौम है जो आज हम बीजेपी के 90% आप उत्तर भारतीय जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी को वोट करते हैं, तो ऐसे उत्तर भारतीयों को अनदेखा उल्हासनगर में क्यों किया जा रहा है. पिछले 4 अध्यक्षों से भी मैंने ये सवाल किया था, मैं 5वां अध्यक्ष हूँ, तो ये मैं आमदार साहब से पूछना चाहता हूँ कि हमारे उत्तर भारतीय भवन कब मिलेगा. आज यहाँ पर आपके सामने आमदार जी घोषणा करेंगे. आज ये अच्छा हो गया. देखिए कार्यक्रम में कुछ बातें नहीं बता पाया. देखिए जो आपने मांग की है कि उत्तर भारतीय भवन होना चाहिए, मैं आपको प्रॉमिस दिलाना चाहता हूँ, ये कुमारी दे सकता है, दूसरा कोई नहीं देगा. कुमार ऐलानी आपको प्रॉमिस करता है सबके सामने, मैं इंदिरा के ग्राउंड पे उत्तर भारतीयों के लिए भवन दूंगा और भवन का नाम भी जो आप उत्तर भारतीय तय करेंगे वो रखेंगे. और संजय पांडे जी को बताना चाहता हूँ, मैंने एक जमीन पे इंडिला के पीछे 19 एकड़ लैंड माना सरकार की थी, जिसमें मैं डेवलपमेंट्स कर रहा हूँ, जहाँ पे गंगा घाट होगा, हरिद्वार के जैसा जैसा घाट रहता है, जिसको मुंडन करना हो, जन्या करना हो, या कोई भी प्रोग्राम, गणपति विसर्जन, माता का प्रोग्राम, आज भी बिहारी लोग ने उसी घाट पे माता का नवरात्र का कार्यक्रम किया है. यहाँ से कोई बैठा हुआ है हाथ ऊपर करे, मैंने दिया था नहीं दिया था, आपको दूसरे टाइम बोला माता का जागरण आपके द्वार में. आज महाविजय 2024 के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी लाभार्थी संपर्क अभियान चल रहा है, जिसके निमित्त से आज मैं उल्हासनगर आया था. और सभी कार्यकर्ताओं को हमने टारगेट दिया है कि हर एक कार्यकर्ता विधानसभा वाइज 500 की टीम बनाएगा और हर व्यक्ति रोज 10 जनों से जाकर के संपर्क करेगा और मोदी जी का नमस्कार कहेगा. उत्तर भारतीय भवन की मांग हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता नेता मार्गदर्शक श्री मिश्रा जी ने की है और आमदार साहब ने भी उसको उनको आश्वस्त किया है. हम सब यहाँ पर उत्तर भारतीय मोर्चा की तरफ से उनको भी आश्वस्त करते हैं और उत्तर भारतीय समाज को आश्वस्त करते हैं कि यहाँ पर उत्तर भारतीय भवन बन के रहेगा. पहले भी कई बार आश्वासन दिया है, पहले के आश्वासन का मुझे नहीं पता, मैं मेरे आश्वासन की बात कर सकता हूँ. मैं किसी
पहले के आश्वासन जिसने दिया मैं उसका उत्तरदायित्व तो नहीं हूँ, मैं जब न करूँ तब आप मुझसे पूछे। आकाशाने स्वानंद मीडिया उल्हासनगर। ताजा घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।